राजकुमार सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और सभी ज्ञान और चीजों की वास्तविक प्रकृति को आत्मसात कर लिया। अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। उन्होंने महसूस किया कि जितना अधिक व्यक्ति खुशी की तलाश करता है, उतना ही अधिक उसका मन इच्छाओं से घिरा होता है, इसलिए सुख के चरम मार्ग से बचना चाहिए। इसी प्रकार शारीरिक पीड़ा और आत्म नुकसान लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य को विफल कर देता है, इसलिए चुनाव मध्य या मध्य मार्ग में निहित है, जो दो चरम सीमाओं से बचाता है। इससे बुद्धि, ज्ञान, शांति और अंततः आदर्श, मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध अपने पूर्व साथियों, उन पांच भिक्षुओं जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, की तलाश करने और उनसे मिलने के लिए अपने आसन से उठे और उन्हें अपना सिद्धांत बताया। अपने दिव्य अंतर्ज्ञान से उन्हें एहसास हुआ कि वह वाराणसी में रह रहे थे, तपस्या और ध्यान कर रहे थे। वह वाराणसी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में दो धनी व्यापारी तपस्या और भल्लिका अपनी गाड़ियों और नौकरों के साथ आ रहे थे। यह व्यापारी सदगुरु था। बुद्ध कई दिनों तक चलने से थक गए थे और जब वे व्यापारियों से मिले तो उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने उसे भोजन की पेशकश की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। बुद्ध पांच भिक्षुओं की तलाश में निकले और वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर उनसे मिले। जब पांचों लोगों ने बुद्ध को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने सोचा कि वह वहां भोजन मांगने आए हैं और उन्होंने उनकी उपेक्षा करने का निर्णय लिया। जब बुद्ध उनके पास आए तो वे अनायास मुस्कुराए और उन्हें प्रणाम किया। सारनाथ में, डियर पार्क, मृगदेव में बुद्ध ने उन्हें चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का उपदेश दिया। ये आर्य सत्य सार्वभौमिक तथ्यों को सरल शब्दों में समझाते हैं। सबसे पहले, सारा अस्तित्व दुख से भरा है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण अत्यधिक आसक्ति और इच्छा है। तीसरा सत्य यह है कि व्यक्ति को कष्टों से मुक्त किया जा सकता है और अंततः आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अष्टपदी का अर्थ है सही दृष्टिकोण, सही मानसिक संकल्प, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही मन और सही एकाग्रता। पांचों भिक्षुओं ने बुद्ध को समझा और उनकी शिक्षा स्वीकार कर ली। उन्होंने इसका अभ्यास किया और बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू करने वाले पहले शिष्य बने।